हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमजे और आपके सामने ये है डीएपी फर्टिलाइज़र। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स की ये कमेंट आती है कि उनके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग तो होते हैं लेकिन फ्लावरिंग बाद में कंप्लीट नहीं हो पाते। कुछ कमेंट्स ऐसी आती है कि उनके प्लांट्स के ऊपर फ्लावरिंग होती ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, फ्लावरिंग जनरली कंप्लीट ना होना या तो फ्लावरिंग ना होना, ये एक मेजर रीज़न है कि आपके प्लांट के अंदर फॉस्फरस की कमी। तो फॉस्फरस आप ऑर्गेनिकली बोन मिल के थ्रू दे सकते हैं और दूसरे आप वर्मी कॉम्पोस्ट या तो काउडंग, ये सारी फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर से आपको फॉस्फरस मिलेगी, लेकिन उसमें से आपको फॉस्फरस की क्वांटिटी थोड़ी कम मिलेगी और शायद प्लांट को उतनी फॉस्फरस की कमी पड़ जाएगी अगर आपने सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ किया, जैसे कि मैंने यूज़ किया था। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से धीरे धीरे करके प्लांट के ऊपर रिजल्ट आता है, मिट्टी न्यूट्रिटिव बनती है और बाद में धीरे धीरे करके वो प्लांट के ऊपर रिजल्ट देता है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट दे देता है और मैं आप सभी को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग वाले प्लांट्स के ऊपर यूज़ करिए। आपके जितने भी वेजिटेबल वाले प्लांट्स हैं उसके ऊपर आप नॉर्मल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करिए, उसके ऊपर रिजल्ट आपको देरी से मिलेगा लेकिन रिजल्ट मिलेगा ज़रूर। जैसे कि मेरा लेमन प्लांट है और मिर्ची के प्लांट है, उसके ऊपर मैं कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करता हूँ। भले अभी तक मेरे लेमन प्लांट ने मुझे फ्रूटिंग्स नहीं दी है लेकिन मैं कोशिश तो करता रहता हूँ, उसकी मिट्टी पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। अभी अभी मैंने प्लांट को प्रूनिंग भी किया है तो वो सारी चीज़ें मैं प्लांट के ऊपर करता रहता हूँ, जिसकी वजह से मेरे प्लांट के ऊपर कुछ ना कुछ नया ज़रूर होगा, ये उम्मीद मुझे है। तो आज ये डीएपी फर्टिलाइज़र के बारे में हम बात कर देंगे। जैसे कि हमारे ये हाइबिस्कस के प्लांट हुए, हमारे गुलाब के प्लांट हुए, हमारे दूसरे जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट है वो हुए, उसके ऊपर हम डीएपी फर्टिलाइज़र अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रोज़ प्लांट में अभी आप डीएपी फर्टिलाइज़र अप्लाई ना करें क्योंकि अभी गर्मियों की सीज़न चल रही है। गर्मियों की सीज़न हमारे रोज़ प्लांट के लिए बहुत ही ख़राब सीज़न होती है। ऐसी कंडीशन में रोज़ प्लांट हमारे थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं और ऐसी कंडीशन में आप प्लांट के ऊपर किसी भी टाइप का केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें। डीएपी हुआ या तो एनपीके हुआ या तो सुपर फॉस्फेट हुआ, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र अभी अप्लाई ना करें। रोज़ प्लांट के अंदर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अप्लाई करिए या तो रोज़ फूड अप्लाई करिए। अगर इतने फर्टिलाइज़र आप गर्मियों की सीज़न में रोज़ प्लांट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो बाद में आपका रोज़ प्लांट हेल्दी रहेगा, लीव्स भी अच्छे रहेंगे, ग्रीन रहेंगे, थोड़े फ्लावरिंग्स कम होंगे, लेकिन अभी फ्लावरिंग्स के इतनी एक्सपेक्टेशन ना रखें। जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आप अपने रोज़ प्लांट के ऊपर केमिकल फर्टिलाइज़र अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी हाइबिस्कस के प्लांट हुए, हमारे प्लूमेरिया के प्लांट है, कनेर के प्लांट है, ये सारे समर सीज़न के जितने भी प्लांट है उसके ऊपर आप डीएपी फर्टिलाइज़र अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अभी उसकी सीज़न है फ्लावरिंग करने की। और जब भी प्लांट की फ्लावरिंग करने की सीज़न होती है और ऐसी सीज़न में जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र प्लांट के अंदर अप्लाई करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, प्लांट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर निकलेंगे और आपको वो रिज़ल्ट दिखेगा केमिकल फर्टिलाइज़र्स का। तो अब ये जो डीएपी फर्टिलाइज़र है, डीएपी फर्टिलाइज़र हमें मंथली 8 से 10 दाने आपके हाइबिस्कस के प्लांट के गमले के अंदर डाल देने हैं। यानी कि अगर आपका 10 इंच का गमला हो तो महीने में एक ही बार आपको 8 से 10 दाने अपने जो हाइबिस्कस के प्लांट हुए या तो प्लूमेरिया के प्लांट हुआ या तो आपके कनेर के प्लांट हुए, जितने भी समर सीज़न के जो प्लांट है जिनकी फ्लावरिंग सीज़न समर है, तो ऐसे प्लांट्स में आप डीपी फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो 10 इंच के गमले में आपको 8 से 10 दाने डालने हैं और अगर आपका जितना भी बड़ा गमला हो वो हिसाब से आप दाने डाल सकते हैं। जैसे कि 12 इंच का गमला हुआ तो आप 12 दाने डाल सकते हैं, 14 इंच का गमला हुआ तो आप 14 दाने डाल सकते हैं। आप पॉट की साइज़ के हिसाब से आप दाने डालिए क्योंकि मिट्टी की क्वांटिटी भी उसके अंदर ज़्यादा होती है, तो आप जितना पॉट बड़ा हुआ उतने ही दाने आप डालिए ताकि मिट्टी के अंदर वो फर्टिलाइज़र अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब ये जो फर्टिलाइज़र है वो हम स्प्रे के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं हमारे जितने भी ये समर प्लांट्स हैं। अब स्प्रे के लिए हमें एक बोतल लेनी है। ये बोतल अबाउट 1 लीटर जितनी बोतल है। 1 लीटर की बोतल में मैं सिर्फ 1 चम्मच जितना डीएपी फर्टिलाइज़र ये बोतल के अंदर डाल देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 1 चम्मच जितना डीएपी फर्टिलाइज़र लिया है और ये डीएपी फर्टिलाइज़र मैं ये बोतल के अंदर डाल दूँगा। अब
अब हमें ये बोतल को पानी से अच्छी तरह भर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बोतल को पानी से भर दिया है। अब ये बोतल को हमें एक यानी कि 24 घंटे तक हमें इसको रहने देना है शेडी एरिया में, और पाउडर फॉर्म हो जाएंगे। तो हमें बस जब भी हम इसको इस्तेमाल करना चाहें तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको इस्तेमाल थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म में करना है। हमें डायरेक्ट इसको इस्तेमाल अभी नहीं करना है। 24 घंटे के बाद हम इसके डायरेक्ट यूज़ हमें इसको नहीं करना है। तो हमें इसको 10 ml जितना लेना है, 10 ml जितना ही हमें लिक्विड लेना है, और 1 लीटर पानी में हमें उसको डाल देना है। तो 10 ml जितना लिक्विड हमें 1 लीटर पानी में डाल के बाद में उसको पानी को अच्छी तरह मिक्स करके हमें उसको प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है। अब इतना ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ज़्यादा कर दी तो बाद में आपके प्लांट के ऊपर लीव बर्न आ सकता है, क्योंकि अभी गर्मियों की सीज़न में ये दिक्कत हो सकती है। हमें थोड़ी थोड़ी देर में उसको हिलाते रहना चाहिए ताकि ये जो फर्टिलाइज़र है वो 1 लीटर पानी में अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। और ये फर्टिलाइज़र हमें वीकली सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है, उससे ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बाद में इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है। हमने 1 लीटर पानी में इसकी 1 चम्मच इसके अंदर डाला है, लेकिन फिर भी अभी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। DAP फर्टिलाइज़र के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा अच्छी होती है। नाइट्रोजन प्लांट के ऊपर न्यू ग्रोथ करने में मदद करेगा, न्यू फुटाव आएंगे यानी कि नई नई ग्रोथ होगी, प्लस फ्लावरिंग भी लाएगा, क्योंकि इसके अंदर फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है। फॉस्फोरस प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग लाने में मदद करता है। और अगर आप ये स्प्रे रेगुलरली आप अपने प्लांट पे हर हफ्ते करते रहेंगे, जितने भी प्लांट के लीव्स हैं इसके ऊपर करते रहेंगे, तो बाद में आपके प्लांट के ऊपर रिजल्ट ज़रूर अच्छा आएगा। अब जैसे कि हमारे ये हाइबिस्कस के प्लांट है, हाइबिस्कस के प्लांट के ऊपर हमें अच्छी तरह ये स्प्रे कर देना है DAP का, ताकि इसके ऊपर नए शूट्स निकले और फ्लावरिंग बर्ड्स भी ज़्यादा निकले, और जितने भी फ्लावरिंग बर्ड्स हैं वो अच्छी तरह फ्लावर में कंप्लीट हो सकें। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी वीडियो DAP फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के ऊपर। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा।